हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप भी सीएससी भेली हैं और आप भी आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट एक डाउनलोड कर रहे हैं अपना। तो वहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं तो इमेज नहीं आ रहा है या आपका पुराना इमेज है, तो किस प्रकार से उस इमेज को आप चेंज कर पाइएगा, ये वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। और मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं जहाँ से आपका फोटो चेंज होगा या आपका फोटो नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपका इमेज नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप इमेज को अपलोड कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा डिजिटल सेवा पोर्टल पे, और यहाँ पे डाउन साइड में चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। माई अकाउंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लॉग इन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको सीएससी आईडी को फिलअप कर देना है, सीएससी आईडी अपना फिलअप कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी आयरिस डिवाइस है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिंगरप्रिंट का डिवाइस है तो फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आयरिस का डिवाइस होगा तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा, कैप्चा कोड को फिलअप कर दीजिएगा। कैप्चा कोड को फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके और सबमिट कर दीजिए। आप जैसे ही सबमिट कर दीजिएगा थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके पास जो भी स्कैनर डिवाइस होगा वो स्कैन हो जाएगा। स्कैन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा, क्लिक कर देने के बाद आपको कैप्चर स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप फिंगरप्रिंट लगा दीजिए, फिंगरप्रिंट आप लगा देते हैं या आप आयरिस लगाए हैं तो आप अपना आई को लगा दीजिए, आई को लगा देते हैं। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है और यहाँ पे आपको आपका पर्सनल डिटेल वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी कार्ड, आईडी कार्ड पे आप क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा फोटो है, आपका पुराना फोटो है तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट पे भी क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो इमेज है वो शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप अपलोड करके और शो होने लगेगा, आप अपलोड कर देते हैं। तो चलिए आप किस प्रकार से अपलोड कर पाएगा वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको केवाईसी अप टू डेट पे क्लिक कर देना है, तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है डाउन साइड पे पर्सनल डिटेल पे, इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इमेज, इमेज वाले आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ब्राउज इमेज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो भी इमेज का साइज होना चाहिए, पीएसजी भी होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आप उसे सेव करके रखे होंगे। इसके बाद अपलोड डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका जो फोटो है सक्सेसफुल अपलोड हो जाता है। इसके बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करके और यहाँ पे आप आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, आप आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका फोटो होगा वो चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आप वीएलई आइडेंटिटी कार्ड और वीएलई का जो सर्टिफिकेट है उसमें फोटो को चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।